है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हाँ वो मुझे लगा कि छाया तौलिया लेकर खड़ी है। खुद ही छाया को हॉस्टल छोड़ के आया और खुद ही भूल गया। हाँ माँ वो मैं भूल गया था। अब से छाया छाया चिल्लाना छोड़ दे। अरे आप मिट्टी के लिए लड़ लीजिए आप लोग एक दूसरे से बच्चे की तरह। और रामलाल चाचा आपको मिट्टी क्यों दे मंगरू चाचा? हाँ आप चाहते तो मृदा अपरदन को रोक सकते थे ना। अरे किरण बेटिया अब ये मृदा अपरदन का है? भूमि का कटाव, अब बारिश के कारण ही ना आपके दरवाजे से मिट्टी बह के कहीं और चला गया था। अब आप चाहते तो उसको रोक सकते थे। अरे तो हम लोग को भी कुछ बताओ ना बिटिया, हमारे भूमि का मिट्टी भी बह जाता है। अब भूमि के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, अब जिसमें आप सब किसान लोग अपने फसल का पैदावार करते हैं। अब जल के बहाव से या हवा के दबाव से वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में भूमि का कटाव कह देते हैं। तो फिर किरण इसका उपाय क्या है? क्योंकि इस तरह मृदा अपरदन से तो हमारे उपजाऊ खेतों को बहुत नुकसान है। सबसे पहले आप लोगों को मृदा अपरदन के कारण को जानना होगा और इसी में आप सबका समाधान भी छुपा हुआ है। अब जैसे अविवेकतापूर्ण वृक्षों का कटाव होना, जंगलों में आग लगना और अपने खेतों को ऐसे बंजर छोड़कर वायु और जल प्रदन को प्रेरित करना, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, ढलान क्षेत्र में कृषि करना, अब बस इन सब का निवारण कर लीजिए और फिर देखिए मृदा अपरदन के कारण जो आप लोग के उपजाऊ मिट्टी में नुकसान होता है वो नहीं होगा। किरण बिटिया तुम तो एकदम धीरज बबुआ जैसे किसानी की बात करने लगे। अब मैं भी तो इसी मिट्टी की बेटी हूँ ना चाचा। अरे किरण बिटिया हम ही मृदा अपरदन के कारणों के निवारण तो हम कर लेंगे, लेकिन हमार द्वार की मिट्टी जो कट करके इसके तालाब में जाता है उसका क्या करेंगे, उसका क्या समाधान है? अब रामलाल चाचा आपको दिक्कत क्या है? अच्छा तो है कि आपका तालाब भी साफ हो जाएगा। अरे उस सब तो हम समझ रहे हैं कि उसमें हमारा फायदा होगा, लेकिन हम दुनिया के किसी भी आदमी को माटी दे देंगे लेकिन ये मंगरुआ को नहीं देंगे। रामलाल जरा तू अपना सामान कैसे नहीं दोगे? अरे और कैसे लाठी नीचे कर, चुप कीजिए चाचा, बस कीजिए, बच्चे की तरह लड़ते रहते हैं बस। चलिए गले मिलिए आप लोग। अरे गले मिलिए, नहीं नहीं नहीं, अरे चाचा गले मिलिए, गले मिलिए, मिलिए गले। हाँ आप एक दूसरे से ऐसी गले मिले रहिए और तब तक मिले रहिए जब तक आप दोनों का ना दिल ठंडा नहीं हो जाता है। पर क्या दिक्कत है रामलाल चाचा आपको? अच्छा तो है कि अगर तालाब से आपकी मिट्टी कट जाएगी तो आपके तालाब की सफाई भी हो जाएगी। वैसे भी तो चाचा दिन भर आप गांव में ऐसे ही घूमते रहते हैं और शाम होता नहीं है कि शराब चढ़ा के बैठ जाते हैं। अब इसी बहाने तालाब साफ हो जाएगा तो उसमें आप मत्स्य पालन तो कर सकते हैं। अब ऐसे ही गले मिले रहिए आप लोग जब तक आप दोनों एक दूसरे का बात नहीं मान लेते, समझे? हाँ मिले रहिए गले। आइए आइए, तो पता चल गया सब। हाँ तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम भी बहुत अच्छा भाषण दे लेती हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रामलाल चाचा और मंगरू चाचा एक दूसरे के गले मिल जाएंगे। असंभव को तुमने संभव करके दिखाया है किरण। हाँ तो मतलब ये सब आइडिया तुम्हारा था है ना? अरे यार आइडिया जैसा कुछ नहीं था, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। अच्छा तो मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा था तो तुम ये दो बमों के बीच में चिंगारी लगा दिए है ना? मतलब तुम इतने शरारती हो जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे भाई मैं भी इंसान हूँ।
मुझे भी हक है शरारत करने का। आखिर मैं भी तो इसी गांव का बेटा हूँ। लेकिन तुम्हें ना शांति का नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए। तुमने जो इन दोनों दुर्विरोधियों में दोस्ती करवा दी। हाँ, अब दोस्ती तो करा दी है, पर ये दोस्ती कब तक टिकी रहेगी ये नहीं कह सकते। हेलो। हाँ शिखा, आप किरण, मैं बाद में मिलता हूँ। आप शिखा, नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगे ही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, अरे भगवान, मेरी दवा का वक्त हो गया है। अरे अपना दवा तो खुद आप ले लिया करिए, ला रहे हैं। तो प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोईरा, आइए बाबूजी, आज दवा मैं आपको देता हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं खा लूंगा दवाई। बाबूजी, आप बुजुर्ग हो गए और आपका सेवा करना मेरा धर्म है। अरे बेटा, किरण बिटिया होती ना तो दवा का वक्त होता नहीं है और बस मेरे पीछे पड़ जाती है कि दवा खाओ। वही तो बाबूजी, माँ बाप का सेवा करने का सारा पुण्य तो किरण ही ले जा रही है। लेकिन बाबूजी, अब मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। आज के बाद बाबूजी, मैं खुद आपका इतना सेवा करूंगा, मेरे हक का पुण्य कोई और ना ले पाए। जाने अनजाने में बाबूजी, मैंने आपके साथ बहुत अनर्थ कर दिया। क्या क्या बोल दिया मैंने आपको, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं बाबूजी, लेकिन बेटा, बच्चे तो जो भी कहते हैं माँ बाप उसे शरारत समझ कर भूल जाते हैं। देखिए आप कहे थे ना, हमारा सिवा एकदम बदल गया है। अरे चाचा जी, वो आने में थोड़ी देर हो गई। अरे वो रामलाल चाचा और मंगरू चाचा है ना, आपस में ही लड़ लिए थे। अरे हम आपका दवा लेके आते हैं। अरे रुको भैया रुको, आज दवा मुझे मेरे बेटे ने पिलाई है, शिवा ने। क्या, शिवा भैया ने? माँ बाप का सेवा करना तो बेटे का धर्म है और अम्मा बाबूजी का सेवा अब मैं खूब करूंगा। छोटी बहन को सारी खुशियां दूंगा जिसकी वो हकदार है। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं शिवा भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका पूरा अधिकार है मुझे डांटने का। तो इसी अधिकार से मैं आज के बाद अपने बड़ा भाई होने का हक निभाऊंगा। अम्मा बाबूजी, मैं अपनी छोटी बहन की शादी का सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ और देखिएगा बाबूजी, अपनी छोटी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। तुम मेरी चचेरी बहन जरूर है लेकिन मेरी सगी बहन से बढ़ के है। हमरी किरणिया में कोनो कमी थोड़ी ना है, खुद शिक्षित है, दूसरों को शिक्षा देती है, अपने पैरों पे खड़ी है और अपने चाचा चाची का सगी बिटिया से भी ज्यादा ख्याल रखती है। देखिए जी, हम कहे देते हैं आप लोगों से कि इसको ऐसे घर में विदा करेंगे जहां इसको कोनो तकलीफ ना हो, बस खुशियां ही खुशियां हो इसके जीवन में। तो ठीक है अम्मा, अब आप लोग आज से ही इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लाखों में एक है मेरी बहन। अरे तू क्यों रोती है पगली? अरे अब तो तेरा शिवा भाई भी तेरे साथ है। नागिन, तुझे क्या लगा तू ही एक चलाक है? गांव वाले बोले बाबूजी को मेरे खिलाफ भड़का के,
बाप बेटे के बीच में खाई खोद के तुझको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो मैं वो सजा दूंगा जो कभी सोची भी नहीं होगी। तेरे और मेरे बीच में सिर्फ पटीदार का रिश्ता है, समझे ना नागिन? मंगरू, तू जो अपना महेश को स्कूल भेज रहे हो ना, बहुते पुण्य का काम कर, बहुते पुण्य का। हमार बेटवा महेश पूरी चिट्ठी पढ़ के सुना देता है एकदम फटाफट। क्या बात कर रहे हो? अरे तुम काहे चिंता करते हो रामलाल, तुम जो अपनी बेटिया रानी को स्कूल भेज रहे हो ना, देख लेना तुम्हार बेटिया रानी एक दिन तुम्हार नाम रोशन करेगी। क्या मंगरू चाचा, क्या देख रहे हैं हम, आप और रामलाल काका एक साथ? अरे हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई, लेकिन ये हुई कैसे? आप दोनों तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। अब शक्ल देख रहे हैं ना, एक बार बता दिए कि दोस्ती हो गई तब काहे बीच में कुदाल चला रहे हो? अरे ऐसा नहीं है, बस आप ये बताओ ये अनहोनी घटना हुई कैसे? कौन बाबा बाबा आए थे क्या गाँव में झाड़ फूक के लिए? ना चुप रहोगे, ज्यादा फिरंट मत बनो। अरे सीखते काहे नहीं हो, कुछ धीरज से सीखो। देखो धीरज ऐसा चीज हमको बैठे बैठे बता दिया, एक पंथ दुई काज, जिससे हमरा दोनों का फायदा हो गया। और हमरा तो हो ही गया, बरसात के दिनों में हमार द्वार की माटी बह करके रामलाल भाई के तालाब में चला जाता था। बस धीरज बेटा जैसा बताया, हम दोनों संगतिया मिल करके तालाब का मिट्टी हटा दी। अब क्या हुआ कि तालाब और गहरा हो गया, अब उसमें हम लोग प्रेम से मत्स्य पालन करेंगे। मत्स्य पालन? अरे मछली पालेंगे। और वो माटी हम अपने द्वार पर दे दिए, हमारा द्वार भी ऊंचा हो गया। अरे मृदा अपरदन के बारे में सुना है? अरे उससे होने वाले नुकसान से बचाव के लिए हम घास फूस पेड़ पौधे भी लगा देंगे। एक बात तो है मेरे धीरज भैया ना, बात पहुंची हुई चीज है। वैसे एक बात बताओ, वो भले ही शहर में रहते थे पर हम खेती बाड़ी उनके सलाह से ही किया करते थे, और आप लोगों को तो पता ही है कम मेहनत में सबसे ज्यादा फसल हम ही निकालते थे गांव में। तो है, लेकिन रामलाल चाचा सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या थोड़ा बहुत गांव के बारे में भी सोचेंगे? का मतलब? बस ये चक्रोड जो है ना, आपकी वजह से रुका हुआ है। जरा सोचिए, अगर ये चक्रोड बन गया ना तो गांव वालों को कितनी सुविधा हो जाएगी। अरे हम तो चक्रोड के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या हुआ है अभी फसल लगा हुआ है। अब फसल में अगर तुम चक्रोड बनाओगे फसल बर्बाद ना हो जाएगा, है कि नहीं? चलो ठीक है, जैसे इतने दिन कुछ दिन और सही, बस एक बार ये चक्रोड बन जाना चाहिए। अरे वो तो हम तैयार ही है चक्रोड के लिए, का मंगलू? अच्छा तो चलते हैं हम। वैसे एक बात बोले, आप दोनों को साथ में देख के ना बड़ी खुशी हुई। अरे जाओ तुम, तंग मत। चलते हैं। सुनो सुनो। हाँ बोलो। धीरे से कुछ सीख लिया। हाँ हाँ हाँ। शिवा भैया, शिक्षा ग्रहण करने का ना उम्र नहीं होता, इंसान जब चाहे अपने शिक्षा का शुरुआत कर सकता है। अब आप ही को देख लीजिए शिवा भैया, अब जैसे आपको ज्ञान हुआ है और आप अपनी सारी बुराइयों को छोड़ के और सेवा और परोपकार कर रहे हैं, वैसे ही। किसके रोके रुका है सवेरा? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। कमली भौजी के घर पे पता नहीं कुछ खाने को होगा अभी के नहीं। वो रोटी बनाए थे वो ले जाते हैं। दादा ने अच्छा नहीं किया। बिना मर्द के ये पहाड़ जैसी जिंदगी ना जाने कैसे कटेगी। गुड़ भी रख लेते हैं, बच्चे देख के खुश हो जाएंगे। कहाँ जा रही है बंटन के हुँ? तुमको क्या मतलब, तुमको क्यों बताए? अरे हमको क्या नहीं मतलब रहेगा, हम तुम्हारे पति हैं। पति परमेश्वर। पति परमेश्वर? हाँ। आज तक पति वाला कोनो काम किए हो? दो ही पैसा कमा के लाए हो घर में। अरे तो जब तुम कमा ही रही हो तो हम काहे कमाए? अरे तनी तो शर्म करो, बीवी की कमाई दारू पे उड़ाते हो। अरे काहे शर्म भाई, हम का दूसरे से मांगते हैं का? हाँ अपनी बीवी से मांगते हैं? हाँ हम दूसरे का हाथ थोड़ी ना फैलाते। पता नहीं क्या क्या करते हो, हटो हमें जाने तो सामान बेचने जाओ। अरे तो जाओ ना, कौन रोक रहा, जाओ। सुनो ना, ओ थोड़ा पैसा दो ना, सब खत्म हो गया। सारा दिन मेहनत हम करें और तुम सारा पैसा दारू में उड़ा दो, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे तो कौन एहसान करती है का तुम? हाँ बीवी है तुम, हमारी पति हूँ, सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अच्छा तो तुम्हारा का धर्म है घर का सब कुछ दारू पे उड़ा दो? अरे तुमने तो हमारी माई की दी हुई वो आखिरी निशानी, वो सोने का हार, वो भी जाके ठेके पे चढ़ा दिया। हम तुमको एक रुपया नहीं देंगे। देखो हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा दो। नहीं देंगे। पैसा दे हमको। नहीं देंगे। पैसा दे हमको। हमसे लड़ाई कर रहे थे, हमसे जीत गए। किरण बिटिया, मृदा अपरदन के बारे में तुमने हमें जो बताया है वो पूरे गांव के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इतना सब तुम कैसे जानती हो? किताबों से प्रधान जी, आपको तो पता है मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अरे किरण बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, तुम तो बच्चों को पढ़ाती हो और अब? अरे ज्ञान अथाह होता है चाचा, जितना ले लिया जाए ना कमी पड़ता है। मुझे भी लगता था कि इतने सालों से हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी की सारी जानकारियां हैं हमारे पास, लेकिन धीरज बेटवा और किरण बेटिया के सामने जो खेती बाड़ी के बारे में हम लोगों की जानकारी जो है ना वो कमजोर नजर आने लगी है। शिक्षा होता ही इतना महत्वपूर्ण चीज है चाचा, बस इतनी सी जागृति के कारण उन्नति की जानकारी मिलती है हमें और इससे हमारे जीवन का उद्धार भी होता है। और मैं तो चाहती हूँ कि आप सब साक्षर और शिक्षित हो। अभी इस उम्र में जिन बुजुर्ग लोगों को पढ़ा लिखा के क्या करोगी? कम से कम इनकी उम्र का तो ध्यान रखा होता किरण। अब ये लोग कागज पे कब तक सही घसेंगे? शिवा भैया, शिक्षा ग्रहण करने का ना उम्र नहीं होता, इंसान जब चाहे अपनी शिक्षा का शुरुआत कर सकता है। अब आप ही को देख लीजिए शिवा भैया, अब जैसे आपको ज्ञान हुआ है और आप अपनी सारी बुराइयों को छोड़ के और सेवा और परोपकार कर रहे हैं,
वैसे ही। इन भोले भाले गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का के तू अपने जैसा बनाना चाहती है कि तुम इन लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर सके। तू इस चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। तेरे हर काम को नाकाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल। कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। और जब शिवा भैया बदलाव की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं, तो फिर आप सब अपने आप को शिक्षित करने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं? निरक्षरता के अभिशाप को लोग पहले भी समझते थे। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य वको यथा। संस्कृत के विद्वानों ने भी शुरुआत से ही लोगों को सावधान और सतर्क किया है। वाह बिटिया, बहुत बढ़िया। इसी पर एक कहावत, बिन पढ़े नर पशु कहावे, जग में सैकड़ों दुख उठावे। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था, निरक्षरों से छलकते राष्ट्र में विकास की क्रांति संभव नहीं। इसीलिए मैं आप सबको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बता रही हूँ। साक्षरता आजकल समाज में इतना महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है कि अगर आप लोग को शिक्षित नहीं किया गया तो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं और कार्यक्रम है उसका उचित लाभ आप लोगों तक नहीं पहुँच सकेगा। इसीलिए सरकार ने निरक्षरता के विरुद्ध सुनियोजित और तेज गति से काम करने का संकल्प लिया है, जिससे निरक्षरता और निर्धनता, इससे जुड़े जितने भी कुप्रभाव हैं, अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अगर हम शिक्षित होते तो का पता हमारे किसनमा को मेहनत मजदूरी करने के लिए अपन घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता। प्रधान जी, किरण बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। गाँव में बच्चे तो अब शिक्षित हो ही रहे, साथ ही साथ बाकी लोगों को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिस बात से गांव का विकास होता है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज से ही प्रौढ़ शिक्षा का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। अगर पूरे गांव वालों की सहमति है और इसमें गांव वालों की भलाई है तो मैं भी इसमें जो है बढ़ चढ़ के योगदान दूंगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक का बेटा हूं और शिक्षा क्या होता है उसका महत्व मैं समझता हूँ। प्रौढ़ शिक्षा के लिए जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। ज्यादा बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है प्रधान साहब। बच्चों की स्कूल की जैसे ही छुट्टी होगी वहीं पे हम प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। अरे वाह, दोनों भाई बहन मिल करके तो समस्या का जो समाधान कर दिया। तुम्हारे भीतर ये बदलाव देख कर मैं बहुत खुश हूँ शिवा। मेरा विश्वास है कि भास्कर जी को भी तुम पर बहुत गर्व होगा। ये आप सबका ही आशीर्वाद है। अरे किरण, तुम यही सब करती रहोगी? तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया ना, चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। किरण बिटिया, तुम स्कूल जाओ, मैं इस गांव में शिक्षा के अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं होने दूंगा। अरे किरण, तुम यही सब करती रहोगी? तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया ना, चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी किरण। तुम जैसी बहन पाके मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं बोल नहीं सकता। मैं सब समझता हूं, जहरीली नागिन। इन भोले भाले गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का के तू अपने जैसा बनाना चाहती है।
कि तुम इन लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर सके। तू इस चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। तेरे हर काम को नाकाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसमें मानने ना मानने वाली बात कौन सी है? विधाता ने जो एक बार रच दिया सो रच दिया, इसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। तुम्हें हमारे साथ सिवाय तकलीफ के कभी कुछ नहीं मिलेगा, समझी? सीता जी, जब राम जी के साथ वनवास गई थी तब उन्होंने अपनी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा, उन्हें तो सिर्फ अपने पति का साथ निभाना था। ए, मैं कोई प्रभु श्री राम नहीं हूँ। पता है, श्री राम कोई नहीं हो सकता, वो एक ही है और आप भी एक ही हैं। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोज